बाप खींचता रिक्शा माँ माजती थी बर्तन, बाप खींचता रिक्शा माँ माजती थी बर्तन, खुद से आंख मिला ना पाता, तोड़ दिया मैंने दर्पण, उस टूटे दर्पण में मुझको मेरी टूटी किस्मत दिखती थी, मैया मेरी सबसे छुपकर हर रात सिसक कर रोती थी। बापू का संघर्ष बड़ा था, जमाने भर से ताना था, बहन आधा पेट थी खाती, भूख नहीं है बहाना था, फटे जेब थे फटे थे कॉलर, उनको भी सिलवाना था, बापू को था दर्द बहुत पर रिक्शा खींचने जाना था। कलम के साथ ही रिश्ता था, कलम दिन रात में घिसता था, हाथों में पड़ गए छाले पर जरा नहीं सिसक था, नैन में तेरे जो सपना था वो हम सब का अपना था, और उसको पूरा करने को मुझको तो आग में तपना था, छत जो घर की टपक रही थी उसको भी तो भरना था, जिस कर्म को जन्मा लाल तूने उस कर्म को पूरा करना था, पर्वों से नाता तोड़ दिया, घर से भी मुख मोड़ लिया, पत्थर बहुत थे राहों में गिन गिन कर सबको तोड़ दिया, तो मैया को अब बतलाना है सपना उसका साकार हुआ, और देख लाल आज उसका वर्दी में तैयार हुआ। तो मां मैं अब तुमको बतला दूं पहले वाली बात नहीं, वो पहले जैसे दिन नहीं और पहले जैसी रात नहीं, अब बहना को कह देना आधा पेट न खाना है, और कह देना पिताजी से अब खर्चा नहीं भिजवाना है, न तुझे मांजना है बर्तन, न बाबू खींचेगा रिक्शा, देख सब दुख दूर किया पूरी कर दी हर इच्छा, देख सब दुख दूर किया पूरी कर दी हर इच्छा। कठिन तपस्या थी मगर मेहनत मेरा हथियार था, गुरुओं से लेकर दीक्षा तेरा लाल रन को तैयार था, सब्र का मैया बांध न टूटा, मैं गला किस्मत का घोट गया, देख तेरा लाल तुझ तक बन डीएसपी लौट गया। तो इसको बोलते समय और लिखते समय मैंने जाने कितने रातों को मैंने गवाया है हमने जी इसके पार्ट टू के लिए, और बस उम्मीद यही है कि ये छात्र जो गांव-गांव से निकल के आते हैं, कितने लोग इसमें किसान के बेटे होंगे मैं नहीं जानता, ये ऐसी कमरों में बैठकर पढ़ रहे हैं क्योंकि इनके माँ बाप जो हैं खेत में इस भरी दोपहरी में बैठकर हल जोत रहे हैं, ये वैसे परिवार के बच्चे हैं, तो इनका दुख दूर करना है, इनको पढ़ना होगा, और इनको पढ़ने के लिए अगर किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं खड़ा हूँ, खड़ा था और खड़ा रहूँगा। बड़ा दुख